इनको कोई इतिहास उतिहास का पता नहीं, ज्ञान का पता नहीं, पहले इनसे पूछो ना। गिरिराज टाइप के लोगों की चर्चा मत कीजिए जिसको इतिहास का पता नहीं, संविधान का पता नहीं, संस्कृति का पता नहीं। ऐसे लोगों को इस देश में रहने की ज़रूरत भी नहीं। बिहार की जनता के खून सांस में हम हैं। जो पटना नहीं बचा सका जो लोग, जो पटना को डुबा दिया, जो पटना अनुकंपा पर जीने वाले लोग जिनकी अपनी कोई ज़मीन और औकात नहीं, जो बिहार को लूटनी ही संस्कृति बन गई हो, ऐसे लोगों के बारे में पप्पू यादव कोई जवाब नहीं देता। नमस्कार, आप देखें लाइव सिटी, मैं हूँ आपके साथ सौरव राज। गिरिराज सिंह ने अभी एक और बयान दिया है जो कि काफ़ी विवादित नज़र आ रहा है। पहले मुसलमानों को लेकर के वो बयान देते थे, लेकिन अब ईसाइयों के ऊपर वो प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मिशनरी स्कूल में जिस तरह से बच्चे पढ़कर इंजीनियर डॉक्टर तो बन जाते हैं, लेकिन विदेश में जा कर के बीफ खाते हैं। हमारे साथ हैं पप्पू यादव, इनसे जानेंगे कि क्या इस तरह का बयान आगे की राजनीति तय करेगी उनकी। सर, जिस तरह से गिरिराज सिंह ने अब ईसाइयों को लेकर के कटाक्ष किए हैं और उनका सीधा निशाना था कि वो बेप खाते हैं विदेश में जाकर, इनको कोई इतिहास उतिहास का पता नहीं, ज्ञान का पता नहीं, पहले इनसे पूछो ना। इनसे पहले ये पूछो इतिहास किसका है, मूलवासी कौन है, आदिवासी, दलित, गरीब, आदमी खाने का काम ये लोग करते रहे हैं। मनुवादी ताकत जो रहा है हमेशा, ऐसे सोच के जी लोग रहे हैं। ये हम एक ही ब्लड के तो हैं और ये बाद में इनकी सोच बदल गई। हमारा एक ही खून तो है, चाहे वो गिरिराज हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हम एक ही खून के तो हैं। हम अलग अलग विचारधारा पर गए हैं। मुसलमान कौन है, इस्लाम कब है, सिखिज्म कौन है, सिख कब है, 400 साल पहले। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग कौन है, दलित, आदिवासी। मेरा ब्लड तो है, मेरा खून तो है। रामायण को किसने लिखा, वाल्मीकि, इनको बोलो इतिहास पर है पहले, वाल्मीकि का इतिहास। महाभारत को कौन लिखा, ये इतिहास पर इन लोगों का चोट अब है। इतिहास मिटाना चाहते हैं ये लोग, मनुवादियों के इतिहास को जिंदा करना चाहता है। इन लोगों के खिलाफ जंग, ऐसे लोग से मैं पूछना चाहूँगा, गोवा में बीफ रोक लिए, ये इनकी सरकार है बीजेपी की, और पारकर ने कहा था कि मेरी तहजीब, संस्कृति और मेरे जीने के रास्ते में बाधक मत बनिएगा। एक बार औकात नहीं हुई किसी को बोलने की। नागालैंड, कोहिमा, त्रिपुरा, ये रोक लेंगे उनकी संस्कृति, उनकी तहजीब, इनकी औकात है। ये इतिहास पर हमला है जी। ईसाई मेरा ब्लड है, ये दुनिया की तहजीब को ये रोकेंगे, ये बताएंगे ज्ञान। गीता और रामायण के ज्ञान से पहले वाल्मीकि, पेरियार, महात्मा फुले, इन लोगों की संस्कार को ये सीखें, उनकी संस्कृति को, कि वसुधैव कुटुंबकम से हम चलते हैं। मेरा इतिहास गरीबों का इतिहास है। हम उस इतिहास, हमारे इतिहास को बनाने में इस देश के गरीबों की सबसे बड़ी भूमिका है। इसीलिए गिरिराज टाइप के लोगों की चर्चा मत कीजिए, ये लोग इस देश की संस्कृति और इतिहास के लोग ही नहीं हैं। और ऐसे लोगों को इस देश, जिसको इतिहास का पता नहीं, संविधान का पता नहीं, संस्कृति का पता नहीं, ऐसे लोगों को इस देश में रहने की ज़रूरत भी नहीं। उनका कहना है कि अब स्कूल में गीता के ऊपर अध्ययन होने चाहिए, बच्चों को संस्कार देने पहले चाहिए। ये गीता का पाठ पढ़ ले ना, पहले ये राम का पाठ पढ़ ले, ये चोर सब। वाल्मीकि के बारे में, वाल्मीकि को पहले घर में बसाए ना, पेरियार को, इन लोगों को बसाए। इन लोगों को कुछ पता नहीं। गीता का पाठ पहले गिरिराज टाइप के जितने नफरत पैदा करने वाले और मुल्क के दुश्मन हैं, इतिहास मिटाने वाले जो लोग हैं, उनको गीता, शिव, राम, रहीम, मोहम्मद और नानक, कबीर का की संस्कृति को जानने की ज़रूरत है। ये मुल्क के दुश्मन बन चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, कि बीजेपी का कहना है कि पप्पू यादव की राजनीति बिहार में खिसक गई है, इसलिए दिल्ली में जाकर को आंदोलन कर रहे हैं और प्रदर्शन में शामिल। समझ में नहीं आता, हम तो पूरा देश में, नरेंद्र मोदी जी गुजरात से जा चले गए बनारस तो उनकी जमीन खिसक गई, तो इसका मतलब जमीन खिसक गई। अमित शाह जी बंगाल में राजनीति, बंगाल सीख रहे हैं तो उनकी जमीन गुजरात में खिसक गई। बिहार की जनता के खून सांस में हम हैं। जो पटना नहीं बचा सका जो लोग, जो पटना को डुबा दिया, जो पटना अनुकंपा पर जीने वाले लोग जिनकी अपनी कोई ज़मीन और औकात नहीं,
जो बिहार को लूटनी ही संस्कृति बन गई हो, ऐसे लोगों के बारे में पप्पू यादव कोई जवाब नहीं देता। यह देश मेरा है, यह देश के 133 करोड़ लोग मेरे हैं, मेरा खून 130 करोड़ लोगों में है, हम एक सेवक हैं और इस देश की मानवता के लिए जीते हैं। इंसानियत, मानवता और रिश्ता बचेगा तभी देश और मुल्क बचेगा। इंसान नहीं बचेगा तो ना धर्म और मजहब बचेंगे, ना भारत बचेगा। शुक्रिया।